प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम हुई ठगी। लोन दिलाने के बहाने 4 किसानों से 60,000 रुपए ठगे। शिवपुरी जिले के बदरवास में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने 4 किसानों को अपनी बातों में फंसाकर 60,000 रुपए ठग लिए। मामले की शिकायत पीड़ित किसानों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराते हुए ठगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आवेदन साइबर सेल को फॉरवर्ड कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। 3 लाख का लोन देने का झांसा देकर 4 किसानों से ठगे 60,000 रुपए। जानकारी के अनुसार रामप्रसाद पुत्र कल्याण सिंह ठाकर निवासी ग्राम झाड़ेल थाना बदरवास ने बताया कि मेरे मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति के मोबाइल नंबर 7073004498 से फ़ोन आया था। मोबाइल नंबर 7073004498 से फ़ोन आया। उसे अज्ञात व्यक्ति ने खुद को EMI फाइनेंस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मैनेजर बताते हुए मुझसे कहा कि सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, इसके लिए केवल 15,000 डिपॉजिट करने होंगे। पीड़ित ने बताया कि वह अज्ञात व्यक्ति की बातों में आ गया और उसने अपने 4 जान पहचान के किसान अभिषेक रघुवंशी, राजकुमार धाकड़, जानकीलाल धाकड़, राधाबाई यादव से 15,000 रुपये बीमा आदि कार्य करवाने के नाम पर ऑनलाइन QR कोड भेज कर जमा कर लिए। बाद में जब पता किया गया उन्हें तो पता चला कि उनके साथ ठगी की गई है। पीड़ित किसान ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती दर्ज कराते हुए ठगी की राशि वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। प्रसाद दाखल झाड़ेल क्या समस्या लेके आए थे? अरे 4 लोगों के लोन बनवा ठगी कर ली 60,000 रुपए। कैसे? 15,000 बीमा और महाजनी के नाम से डरवाला है। LNT कार्ड भी फोन पर डाल रहे थे, रुपये सब चीज है, पूरे रिकॉर्ड भी है। का लोन दे रहे थे वो आपको? मुद्रा लोन 3-3 लाख का। 3-3 लाख का तो तुमने ही फोन लगाया था? उन्हीं का फोन, उन्हीं की फोन आया था मोबाइल पर के प्रधानमंत्री का हम पे दबाव है ऊपर से, हमें ये फाइनेंस करना है, तुम ले लो, किसान लोगों को ही लिए लागू भाई। अच्छा, कब आया था फोन? 10 तारीख को। अच्छा, तो फिर अब तुम्हें कैसे पता लगा कि ये तुम्हारे साथ ठगी हुई है? हमने ऑनलाइन पे सब पे चेक करवाया, जो फार्म जो स्टेटमेंट भेजे थे 3-3 लाख के लोन के, हमने दुकान पर पहुंची, पूरी व्यवस्था चेक करवाई, सो कोई चीज नहीं देखी, वहाँ से ठगी का मामला ही सामने आया। उन लोगों के 4 मोबाइल नंबर हैं। इसकी शिकायत आपने कहाँ कर की है? SP साहब से की है। SP साहब ने थाना बदरवास को लिख दिए, साइबर टीम जांच कर रही, पकड़ के लाएगी।